नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अनुप्रति योजना का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 10,000 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत कुल 1,03,086 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है। वही बात करें राजस्थान अनुप्रति योजना के बारे में, तो राजस्थान अनुप्रति योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के BPL परिवारें शामिल हैं, जिसमें प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, IIT, IIM, CPMT, NIT एवं राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब इंस्पेक्टर एवं पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं उसके ऊपर अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे मैट्रिक 5 से पे मैट्रिक 10 तक की परीक्षा के लिए 1200, इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेक्ट के लिए 1000 विद्यार्थियों को इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लाभ प्रदान किया जाएगा। वहीं इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा से विभिन्न स्तर पर पास होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा 1,00,000 रुपए तक की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। ये धनराशि विभिन्न स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा RPMT, RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के दौरान विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। बता दें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इस योजना का लाभ छात्र छात्राओं को 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा इस योजना की स्वीकृति मिलते ही इस योजना के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। केवल वही विद्यार्थी पुरानी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनकी कोचिंग इस समय चल रही है या फिर कार्य देश जारी किए जा चुके हैं। यदि छात्र अन्य शहर में स्थित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करते हैं तो इस स्थिति में विद्यार्थियों को भोजन तथा आवास के लिए अतिरिक्त 40,000 प्रतिवर्ष इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। बहरहाल इस योजना में आवेदन के लिए किन किन दस्तावेजों की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।